नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। सच का सामना करना आसान नहीं। आजकल टीवी चैनलों पर जो सच दिख रहा है उससे भी ऐसा ही लगता है। किसी को इस सच में अश्लीलता दिख रही है तो किसी को सनसनी। संसद में भी हल्ला है कि इस पर रोक लगे। तो यही है आज मुकाबला में बहस का मुद्दा। क्या रियलिटी शोज पर पाबंदी लगनी चाहिए? आप भी अपनी राय एमयू के लिखकर 56388 पर एसएमएस करें। आप चाहें तो सीधे मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। लॉग ऑन करें ndtvkhabar.com/mukabla पर। और मुकाबला में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान स्टूडियो में, चार मेहमान। सबसे पहले मिलिए बिग बॉस और रोडीज के विजेता आशुतोष से और इनसे पूछेंगे क्यों चलते हैं ऐसे शोज। हमारे दूसरे खास मेहमान यूपी के पूर्व डीजीपी, सांसद, पूर्व सांसद बीपी सिंघल, सेंसर बोर्ड के भी सदस्य रह चुके हैं और इनसे पूछेंगे ऐसा सच देखकर उन्हें गुस्सा क्यों आता है। हमारे तीसरे खास मेहमान हैं विचारक, लेखक पुरुषोत्तम अग्रवाल, साथ ही विज्ञापन जगत की जानी मानी हस्ती प्रहलाद कक्कड़ और जानी मानी अभिनेत्री उर्वशी ढोलकिया। जानेंगे उन्हें क्या मिला सच का सामना करके। मुकाबला में कुल मिलाकर चार दौर। मुकाबला शुरू करने से पहले अभी की सुर्खी। मुकाबला में बहस, क्या रियलिटी शोज पर पाबंदी लगनी चाहिए? आप भी अपनी राय एमयू के लिखकर 56388 पर एसएमएस करें। सीधे चलेंगे मुंबई राजीव खंडेलवाल के पास। राजीव, आप किस तरह का सच जानना चाहते हैं? आप ये जानना चाहते हैं कि किसने कितनी मर्यादाएं तोड़ी, कितने गुनाह किए? ऐसा लग रहा है कि आप सच बेच रहे हैं। आपसे सीधा सवाल, आखिर ऐसे शोज पर पाबंदी क्यों नहीं लगनी चाहिए? हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहां पर अगर कोई अपनी इच्छा से सारी दुनिया के सामने अपना सच कबूल करना चाहता है तो उसे अगर बैन कर देना चाहिए। तो प्लीज हम लोग आगे बढ़े। हिंदुस्तान के कोर्ट्स के अंदर इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं कई सालों से, इतना पैसा खर्चा किया जाता है लोगों से सच बुलवाने के लिए। हर तरह के केसेस होते हैं, हर तरह के क्राइम्स होते हैं, चाहे वो सेक्स रिलेटेड क्राइम्स हों, चाहे वो दूसरे क्राइम्स होते हैं, सालों सालों तक लोग सच नहीं कबूल करते हैं। और यहाँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग खुद अपनी इच्छा से अपनी जिंदगी से जुड़ा सच कबूल करना चाहते हैं, लेकिन दूसरों को प्रॉब्लम है क्योंकि वो अपना सच कबूल कर रहा है। बड़ी अजीब सी विडंबना है, मैं नहीं जानता कि मैं क्या कहूं इस बारे में। जी, आप कभी सच का सामना में एंकर की कुर्सी से हटकर सामने वाली कुर्सी पर बैठना चाहेंगे? जिस दिन मैं हिम्मत बटोर लूंगा, जिस दिन मुझ में बाकी सब कंटेस्टेंट की तरह से हिम्मत आ जाएगी, आज मैं क्या स्थिति है? फिलहाल मैं आज जी नहीं, मुझ में हिम्मत नहीं, जैसे कि करोड़ों लोगों में हिम्मत नहीं है, मुझ में भी हिम्मत नहीं है, मैं एक आम इंसान हूं सर। कि वो खुद में उतनी नैतिक शक्ति नहीं है, वो दूसरों की नैतिक शक्ति को तोड़ने के लिए बैठे हुए हैं। एक हाई स्कूल का बच्चा भी है और एमए के पर्चे जांच रहा है, क्या मतलब हुआ भाई इसका? ऐसा नहीं है, वो उनका काम है, वो कर रहे हैं, वो खुद बोल रहे हैं भाई मेरी हिम्मत नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो दूसरों की नैतिकता पर दूसरे की नैतिकता नहीं है, दूसरे आ रहे हैं उनके पास, वो बुलाने नहीं जा रहे हैं किसी को। सर किसी को बुलाने नहीं जा रहे हैं, वो आ रहे हैं। नहीं नहीं सुनिए, ऐसा है कि इससे पैसे का इन्वॉल्वमेंट हटाइए, अगर एक भी सेलिब्रिटी उसके अंदर कोई आ जाए, वहां पे कोई चेहरा एक भी आ जाए, और फिर आगे दावे के साथ कहता हूँ आप ये बताइए, शो में इसलिए गए नहीं, नहीं कि वहाँ 1 करोड़ का प्राइस था। हमारे साथ उर्वशी ढोलकिया हैं। उर्वशी, क्या ये बात सही है कि इसमें पैसे का खेल है? आप भी गई थी इस शो में। मैं तो जीता जागता एग्जांपल हूँ कि मुझे तो मैं जितना जीती थी वो सब हार के आ गई हूँ। तो आप मुझसे अगर ये सवाल पूछेंगे तो बिल्कुल नहीं, पैसे का सवाल है ही नहीं। मैं शो पर भी जब मैं थी तो आई थिंक मैंने राजीव से उस वक्त भी कहा था कि मैं यहाँ ना जीतने के लिए आई हूँ ना हारने के लिए आई हूँ, मैं यहाँ सच बोलने के लिए आई हूँ। ये कन्फेक्शन बॉस नहीं है कि आप कन्फेस करने वहां जा रही हैं। आपको अगर अपना सच बोलना है तो आपका प्लेटफॉर्म है, आपका परिवार वहां भी बोल सकती है। इस देश के अंदर हजारों माता बहने सब लोग, इस संस्कृति के अंदर विश्वास रखने वाले लोग भी टीवी देख रहे हैं जी। अगर उनके सामने इस तरह के अश्लीलता के सवाल होंगे कि आपको इसलिए निकाल दिया गया, चैनल रिमोट बच्ची है वो करती है, नहीं चैनल ये मतलब नहीं है, कमाल साहब चैनल रिमोट, चैनल रिमोट ये को सुनो मेरी बात। तो सर एक छोटी सी बात कहूंगा, टीवी अश्लीलता आज से पहले से चली आ रही है, आज से नहीं चली आ रही, कोई नई चीज नहीं है। आप ये बताइए, कंडोम का ऐड देखोगे तो उसमें इतनी अश्लीलता आप घर में बैठ के देख ही नहीं सकते उसको। नहीं आप एक बात उसे बंद करो पहले। राजीव, ये आप बात सुन रहे हैं यहाँ पर, क्या लग रहा है आपको? क्या वाकई में आपने बहुत गलत काम कर दिया है ये शो करके? सबसे पहली बात, जहां कहीं भी आवाज उठ रही है, 21 सवाल में से 3 या 4 प्रश्न निजी जिंदगी के ऊपर होते हैं जिसके बारे में चर्चा की जा रही है जी। जो जितने भी सीनियर लोग इस बारे डिस्कशन में, मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं या पूछना चाहूंगा, क्या वो 12-18 प्रश्न जो बाकी जिंदगी के इंपॉर्टेंट पहलू से जुड़े होते हैं, क्या आपको वो नजर नहीं आ रहे? क्या आपको यह नजर नहीं आ रहा है कि कोई बाप अपनी बेटी के लिए रो रहा है और बाकी के बाप जो है वो प्रेरित हो रहे होंगे, वो नहीं चाहेंगे कि वो गलती वापस करें? पहली बात। दूसरी बात, जो निजी प्रश्न है
उसे देखकर देखने वाला क्या इंस्पायर होगा, क्या प्रेरित होगा कि वो भी ऐसा करे, या फिर वो ये सोचेगा कि इसे इस सवाल का जवाब देना पड़ा, मैं अपनी जिंदगी में कोशिश करूंगा कि मैं ऐसा कुछ ना करूं कि मुझे ऐसा जवाब देना पड़े।